a very good morning to you all students. today we are going to start our lecture for class 4 students. right? and what is the name of the chapter which we are going to study? the name of the chapter is thank you uncle. what is the name of the chapter students? the name of the chapter is thank you uncle. okay? and this is chapter 3. so students, please open page number 31 of your book. right? koliya subnet page number 31. चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अंकल आनंद हैज कम टू स्टे विथ मिनी एंड विजय एज दियर पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन ठीक है मिनी एंड विजय ये दो लड़ एक लड़के एक लड़के का नाम है और एक लड़की का नाम मिनी है वो लड़की है विजय है वो लड़का है ये दो बच्चे की मतलब स्टोरी है अंकल आनंद हैज कम टू स्टे विथ मिनी एंड विजय एज दियर पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन मिनी और विजय के पेरेंट्स उस जिस टाउन में वो रहते थे उस टाउन से बाहर गए हुए थे मतलब क्या था कि उसके अंकल आए हुए थे उन लोगों उन लोगों के साथ रहने के लिए मिनी और विजय के पेरेंट्स जो थे वो आउट ऑफ टाउन थे तो उनके जगह पे उनके अंकल आनंद अंकल का क्या नाम था अंकल का नाम था आनंद वो उन लोगों के साथ रहने आए हुए थे एवरी ईयर अंकल टेक्स देम आउट ऑन अ सरप्राइज ट्रिप और हर एक साल अंकल आनंद जो है वो उन दोनों बच्चों को एक सरप्राइज ट्रिप पे ले जाते हैं सरप्राइज़ ट्रिप मतलब क्या एक ऐसा ट्रिप जो कि उन बच्चों के लिए सरप्राइज रहता है राइट right? मतलब कि अगर कोई जगह आपको बताया नहीं जाए और आपको उस जगह पे लेके जाया जाए कि मतलब आपको सरप्राइज़ देते हैं तो उस तरह के जगह को हम लोग सरप्राइज ट्रिप बोलेंगे ठीक है व्हाट हैपन्स दिस ईयर रीड एंड फाइंड आउट अब इस साल वो क्या होता है चलिए इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं तो स्टूडेंट्स ये था स्टोरी का ऊपर का छोटा सा पार्ट हाफ इंट्रो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे ठीक है लेट्स बिगिन मिनी एंड विजय वर एक्साइटेड दियर पेरेंट्स हैड गॉन आउट ऑफ टाउन एंड अंकल आनंद दियर फादर्स ब्रदर हैड कम ओवर टू लुक आफ्टर देम मिनी और विजय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे ठीक है क्यों एक्साइटेड थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो आउट ऑफ टाउन जा चुके थे और उनकी देखभाल के लिए अंकल आनंद आए थे और जैसा कि उनको पता था कि हर साल अंकल आनंद हमें कोई सरप्राइज ट्रिप पे लेके जाते हैं तो इस साल भी कोई ना कोई सरप्राइज ट्रिप पे लेके जाएंगे तो इसलिए वो लोग काफी ज़्यादा एक्साइटेड थे ठीक है अंकल आनंद वाज अ ग्रेट फन ही ऑलवेज थाट ऑफ एडवेंचरस थिंग टू डू अंकल आनंद जो थे वो बहुत ही मतलब खुले दिल के इंसान थे बहुत फन वाले इंसान थे मतलब बहुत ही मौज मस्ती करवाते थे ठीक है बहुत मौज मस्ती वाले इंसान थे ही ऑलवेज थॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग टू डू वो हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस थिंग चाहते थे करने के लिए और करवाते थे ठीक है ही ऑलवेज थाट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स टू डू वो हमेशा एडवेंचरस थिंग के बारे में सोचते रहते थे ठीक है कुछ नया अच्छा अच्छा ठीक द लास्ट टाइम दैट ही हैड स्टेड विद डेम

इसके पहले वाले पैरों में पढ़ा कि अंकल आनंद वॉज ग्रेट फन ही ऑलवेज थाट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स टू डू वो हमेशा एडवेंचरस थिंग के बारे में जानते थे उसी तरह मतलब पिछले बार वो मिनी और विजय को कहाँ लेकर गए थे जैसे कि आप स्टोरी के ऊपर में पढ़े ना कि हर साल वो कहीं ना कहीं लेकर जाते थे तो इसके जस्ट पिछले साल वो कहाँ लेकर गए थे तो एक फिल्म की शूटिंग पे लेकर गए थे द लास्ट टाइम दैट ही हैड स्टेड विद डैम ही हैड टेकन देम टू सी द शूटिंग ऑफ अ फिल्म दैट इज फ्रेंड वॉज मेकिंग ठीक है लास्ट टाइम अंकल आनंद जो थे वो मिनी और विजय को कहाँ लेके गए थे एक फिल्म के शूटिंग पर लेके गए थे ठीक है जो वो, वो फिल्म उनके फ्रेंड ही कर रहे थे किन के फ्रेंड अंकल आनंद के फ्रेंड फॉर डेज आफ्टर दैट मिनी वेंट अराउंड टू शूट अ फिल्म उस दिन उस दिन के बाद कुछ दिन तक मतलब मिनी अपना खुद का फिल्म शूट करना चाहती थी मतलब होता है ना कि बच्चे में जो नया चीज़ देखते हैं तो वो बच्चे अपने अंदर भी कोशिश करते हैं कि चलो ना मैं भी एक बार ये करके देखता हूँ है कि नहीं तो मिनी इतनी ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो गई मिनी इतनी ज़्यादा उससे मतलब प्रभावित हुई कि वो सोचेगी चलो मैं भी एक दिन अपना शूट करके देखूंगी तो वही शूट फॉर डेज आफ्टर दैट ठीक है कुछ दिन बाद मिनी वेंट अराउंड प्रटेंटिंग टू शूट अ फिल्म मिनी खुद का फिल्म शूट करने का सोचने लगी करने लगी हर फ्रेंड्स हैड टू होल्ड थिंग्स लाइक लाइट्स एंड कैमरास वाइल मिनी हेल्ड अ पेपर कोन टू हर माउथ एंड शाउटेड आउट डायरेक्शंस तो मिनी जब अपना खुद का फिल्म शूट करने लगी तो उनके फ्रेंड्स भी उनको हेल्प कर उसको हेल्प करते थे वो कुछ-कुछ चीजें पकड़ते जैसे लाइट्स कैमराज ये मिनी के फ्रेंड्स पकड़ते थे और मिनी क्या करती थी मिनी एक पेपर ले रही थी जिसमें डायलॉग्स रहते थे और उस डायलॉग को आ, मतलब करती थी मतलब डिलीवर करती थी डायलॉग्स बोलती थी पेपर देख के कैमराज वाइल मिनी हेल्ड अ पेपर कोन टू अ माउथ एंड शाउटेड आउट डायरेक्शंस जो भी उसमें डायरेक्शंस लिखे रहते थे उस पेपर कोन में वो उसको बोलती थी हैव यू पैक्ड एवरी थिंग टू चिल्ड्रन सेट ऑफ टू कैच द स्कूल बस अब देखो अंकल आनंद उन उन दोनों बच्चों से क्या बोलते हैं कि क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया है क्योंकि उनके स्कूल जाने का समय हो गया होता है उस वक्त अंकल आनंद एज द टू चिल्ड्रन सेट ऑफ टू कैच द स्कूल बस ठीक है क्योंकि उन दोनों बच्चों को अपना स्कूल बस पकड़ना होता है तो अंकल आनंद पूछते हैं कि सब कुछ रेडी है बैग वैग सारा पैक हो गया तुम लोग का ऐसा अंकल आनंद पूछते हैं चिल्ड्रेन yes, चिल्ड्रेन children. Children ने क्या बोला yes. कौन पे किसका बात हो रहा है मिनी और विजय का सरप्राइज इज नाउ प्लीज बेट द चिल्ड्रेन अब वो जो चिल्ड्रेन रहते हैं मिनी और विजय वो क्या सरप्राइज पूछने लगते हैं कि प्लीज बताइए इस बार का सरप्राइज क्या है जैसा की वो हर बार सरप्राइज ट्रिप्ट देते थे अंकल आनंद इसलिए उन दोनों को लगता था कि इस बार भी कोई सरप्राइज ट्रिप है तो वो सरप्राइज ट्रिप जानने के लिए वो पूछ रहे थे किससे अंकल आनंद से ओ अस वॉट द सरप्राइज इज अस नाउ प्लीज बेग द चिल्ड्रेन रिक्वेस्ट करने लगे अंकल आनंद से बता न, प्लीज बता दीजिए ना प्लीज बता दीजिए इस बार का सरप्राइज क्या है नो नो इट इज टाइम फॉर द बस यू विल मिस इट इफ यू डोंट गो राइट नाउ तो अंकल uh, आनंद क्या बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं अभी तुम लोग के स्कूल बस का टाइम हो गया है यू विल मिस इट इफ़ यू डोंट गो राइट नाउ तुम वो बस छोड़ दोगे अगर तुम अभी वो डायरेक्ट नहीं गए तो अगर तुम जल्दी जल्दी अभी बस के लिए नहीं निकले तो तुम अपना बस छोड़ दोगे क्योंकि बस का तो टाइमिंग होता है ना अगर सही समय पे नहीं पहुँचेगा तो बस निकल जाएगी बस थोड़ी ना स्टूडेंट का वेट करेगी राइट सो द चिल्ड्रेन स्टार्टेड वॉकिंग टर्ड्स द बस स्टॉप तो चिल्ड्रेन अब बस स्टॉप के लिए निकल पड़े ठीक है वो जो चिल्ड्रेन थे मिनी और विजय वो लोग बस स्टॉप के लिए निकल पड़े आई वॉन्ट ड वॉट अंकल इज प्लानिंग सेट मिनी मिनी क्या बोलती है कि मैं वंडर कर रही हूँ कि अंकल जो हैं अंकल आनंद वो क्या प्लानिंग किए होंगे आई बेट हिल टेक अस टू वॉच दैट फुटबॉल मैच से विजय क्या गेस करता है विजय बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इस बार हमें कोई फुटबॉल मैच दिखाने ले जाएंगे सी यू आफ्टर स्कूल आई है वरप्राइज फॉर यू वेन यू गेट बैक अंकल आनंद क्या बोलते हैं कि बोलते हैं ना सी यू मतलब बाय बोलते है ना मतलब बाय उसी तरह से सी यू आफ्टर स्कूल मैं आपको स्कूल के बाद दिखूंगा ठीक है और आई विल हैव अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर यू व्हेन यू गेट बैक अब जब आप स्कूल से आओगे तो आप लोगों के लिए एक वंडरफुल सरप्राइज है जब आप स्कूल से आओगे तो तो बच्चे बोलते हैं ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना ये बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाता है बहुत ज्यादा ठीक है नाउ टर्न द पेज कम टू द पेज नंबर थर्टी टू हु टू वॉच अ फुटबॉल मैच मे बी ही विल टेक अ शू द बर्ड पार्क तो उसमें क्या बोलते हैं कि अब फुटबॉल मैच देखना कौन जाना चाहता है मे बी ही विल टेक अ शू द बर्ड पार्क हो सकता है कि वो हमें बर्ड पार्क ले कर जाए ये मतलब गेस्ट किया जा रहा है मिनी और विजय के थ्रू बर्ड पार्क आई लाइक टू सी क्रोको डाइल सेट विजय वो बोलता है बर्ड पार्क अगर बर्ड पार्क जाएंगे तो मुझे क्रोकोडाइल देखने की बहुत इच्छा है ठीक है आई लाइक टू सी क्रोकोडाइल्स सेड विजय किसने कहा यह बात विजय ने कहा बाय दिस टाइम दे हैड रिस्ट द बस स्टॉप बट दे कुड नॉट सी एनी ऑफ दियर फ्रेंड्स ओनली मुरलीज मदर वॉज देयर और यह सब बातें करते करते वो लोग बस स्टॉप तक पहुंचे और जब वो बस स्टॉप पे पहुंचे तो उन्होंने अपने किसी भी फ्रेंड को वहाँ पे नहीं देखा किसी भी फ्रेंड को वहाँ पे नहीं पाया वहाँ पे सिर्फ मुरली की मम्मी खड़ी थी मुरली कोई होगा उनका फ्रेंड उनके फ्रेंड का नाम होगा या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस बस से जाता होगा वहाँ पे सिर्फ मुरली की मम्मी दिखाई दी वहाँ पर उनके कोई भी फ्रेंड्स दिखाई नहीं दिए ओ यू मिस द बस इट जस्ट लेफ्ट सी सेट तो वहाँ पर जो मुरली की मम्मी थी वो उन दोनों बच्चों को क्या बोलती है कि ओ बेटा तुम लोग बस मिस कर चुके हो ठीक है बस तो चली गई ओ यू मिस द बस इट जस्ट लेफ्ट वो तो अभी जस्ट निकल निकली बस वो ऐसा बोली कौन मुरली की मम्मी वॉट विल वी डू नाउ विजय स्टार्टेड टू क्राई अब विजय यहाँ पे बोल रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे क्राई मतलब बच्चा रोना नहीं ठीक है हमेशा क्राई का मतलब रोना नहीं होता है वो जोर से बोला ओ शिट यार अब हम क्या करेंगे स्कूल बस तो छूट गया ऐसा विजय बोला डोंट क्राई विजय वी कैन आस्क अंकल आनंद टू टेक अस टू स्कूल सेड मिनी तो उसमें मिनी क्या बोलते हैं चिल्लाओ मत विजय टेंशन मत लो हम लोग अंकल आनंद को बोलेंगे वो तो वो हम लोग को स्कूल छोड़ देंगे बोथ द चिल्ड्रन रैन बैक होम वो दोनों ही मिनी और विजय घर वापस आए एकदम दौड़े दौड़े वी मिस द बस दे टोल्ड अंकल आनंद उन बच्चों ने अंकल आनंद को क्या बोला अंकल आनंद हमारा बस जो है वो छूट चुका है वेल यू कैन टेक अ हॉलीडे एंड वी कैन गो एंड सी द विंटेज कार्स एट इंडिया गेट सेड अंकल आनंद विद अ ट्विंकल इन हिज आइज तो अंकल आनंद ने क्या बोले अंकल आनंद ने क्या बोला कि देखो बेटा अब बस तो छूट ही गया है अगर तुम चाहो तो इस दिन को हॉलीडे भी हॉलीडे की तरह भी यूज कर सकते हो यू कैन टेक अ हॉलीडे एंड वी कैन गो एंड सी अ विंटेज कार्स एट इंडिया गेट और हम लोग इंडिया गेट जाके कुछ विंटेज कार्स देख सकेंगे विंटेज कार्स कहने का मतलब स्टूडेंट्स वेरी ओल्ड कार्स जो पुरानी पुरानी कार्स होती है ना तो उसको विंटेज कार्स बोलते हैं अगर तो ये यहाँ पे अंकल आनंद बोलते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो इसको हॉलीडे ले सकते हो और हम लोग इंडिया गेट जाके विंटेज uh, कार्स देख सकते हैं मतलब ओल्ड वेरी ओल्ड कार्स देख सकते हैं सेट अंकल आनंद ट्विंकल इन ही साइज तो ये बात वो बोलते हैं एक और चीज स्टूडेंट इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ध्यान देना अक्सर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया अब इन दोनों में से कौन सा दिल्ली में है कौन सा मुंबई में है तो बेटा ये जो इंडिया गेट है ना इंडिया गेट ये सिचुएटेड है दिल्ली में ठीक है और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये सिचुएटेड है मुंबई में आई समझ बात गलती क्या होती है जब पूछा जाता है इंडिया गेट तो बहुत से लोग के मन में मतलब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये मतलब कन्फ्यूजन होता है कि यार इंडिया गेट तो मुंबई में है गेट ऑफ इंडिया दिल्ली में है, लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है और गेट ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है ये याद रखने वाली चीज है स्टूडेंट्स ठीक है hmm. तो अंकल आनंद क्या बोलते हैं कि वेल यू टेक अलिडे एंड वी कैन गो एंड सी द विंटेज कार्स एट इंडिया गेट अंकल आनंद ट्विंकल इन आइज चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुका है लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पैरा ओ नो वी हैव अ फुटबॉल मैच विद क्लास फोर सी आई कॉन्ट मिस दैट वेल्ड विजय तो विजय क्या बोलता है नहीं नहीं ओ oh नो no, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आज उसका जो मैच था विजय का वो क्लास फोर सी के स्टूडेंट्स स्टूडेंट उनका मैच था फुटबॉल मैच ठीक है विजय का तो वो किसी भी हालत में वो चीज़ मिस नहीं कर सकता था तो वही वो बोल रहा है विजय ओनो वी हैव अ फुटबॉल मैच विद क्लास फोर सी आई कांट मिस दैट वेल्ड विजय वेल्ड विजय मतलब क्राइड मतलब क्राइड मतलब रो मतलब, रोना नहीं मतलब जोर से बोला मतलब नहीं नहीं मतलब कैसे बोलते हैं लोग नहीं नहीं आज तो मैं मिस कर ही नहीं सकता आज तो मेरा फुटबॉल मैच है इस तरह से विजय ने अंकल आनंद को बोला आई हैव टू गो टू स्कूल आई हैव टेस्ट सेड मिनी मिनी क्या बोला मिनी ने क्या बोला कि मुझे भी स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि आज मेरे स्कूल में मेरा टेस्ट है तो टेस्ट को मिस नहीं कर सकती ऑल राइट डोंट गेट अप सेट टेल मी द वे एंड आई ड्रॉप यू इन द कार सेट अंकल आनंद डू यू नो द वे टू योर स्कूल तो अंकल आनंद बोलते हैं अरे अरे ठीक है, है बाबा तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है बस टेल मी द वे दैट एंड आई ड्रॉप यू इन द कार तुम मुझे बस रास्ता बताना कि तुम्हारे स्कूल का रास्ता कैसे जाता है और मैं तुमको कार में ड्रॉप कर दूँगा कार से स्कूल में ड्रॉप कर दूँगा डू यू नो द वे डू यू नो द वे टू योर स्कूल तुम अपने स्कूल का रास्ता तो जानते हो ना ऐसा अंकल आनंद पूछते हैं यस यस वी टेक सेम रूट एवरी डे बोथ द चिल्ड्रेन क्राइड सो द चिल्ड्रेन गॉट इंटू द कार विद अंकल आनंद तो वो मिनी और विजय क्या बोलते हैं हाँ हाँ ऑफकोर्स मुझे रूट याद है कि हम लोग रोज तो उसी रूट से जाते हैं तो वो रूट याद कैसे नहीं रहेगा वी टेक द सेम रूट एवरी डे हम लोग हर रोज उस सेम रूट से ही जाते हैं बो द चिल्ड्रेन क्राइड वो दोनों चिल्ड्रेन ऐसे बोले सो द चिल्ड्रेन गॉट इन् टू द कार विद द अंकल आनंद तो वो जो थे मिनी और विजय वो दोनों अंकल आनंद के साथ कार में बैठ गए अब देखो मिनी गो स्ट्रेट डाउन रिंग रोड अब मिनी क्या बोलती है गो स्ट्रेट डाउन रिंग रोड मतलब रिंग रोड से स्ट्रेट जाना है विजय यस नाउ देयर इज द बिग होर्डिंग फॉर द न्यू जिमनाजियम फिर विजय क्या बोलता है कि हाँ देखिए अब वहाँ पे आपको बिग होर्डिंग दिखेगा बड़ा सा होर्डिंग दिखेगा जिमनाजियम का अंकल यू हैव टर्न टू लेफ्ट नाउ और अंकल वहाँ से आपको लेफ्ट कर लेफ्ट टर्न करना है विजय क्या बोलता है कि देखिए अंकल अब आपको बड़ा सा जिमनाजियम का होर्डिंग दिखेगा होर्डिंग तो जानते हो ना जो बड़ा बड़ा बैनर लगता है एडवर्टीजमेंट के लिए हाँ बिल्कुल सही तो वही अब तो वही विजय बोलता है कि अंकल अब आपको बड़ा सा होर्डिंग दिखेगा जिमनाजियम वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है अंकल आनंद बट आई थॉट योर स्कूल वॉज ऑन द राइट समवेयर हेयर तो अंकल आनंद बोलते हैं कि पर मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कूल जो है वो यहाँ से राइट की तरफ है लेफ्ट की तरफ नहीं विजय बोलता है ना कि अंकल आनंद एक बड़ा सा जिमनाजियम का होर्डिंग दिखेगा वहां से आपको लेफ्ट लेना है तो अंकल क्या बोलते हैं कि मेरे ख्याल से तुम लोग का स्कूल यहाँ से लेफ्ट टर्न करके नहीं बल्कि राइट टर्न करके होगा होना चाहिए मुझे जहां तक ऐसा लगता है विजय नो वी हैव टू गो दिस वे विजय बोलता है नहीं nah, नहीं nah, nah, हम लोग को इसी रास्ता से जाना है अंकल आनंद ओके इफ यू से सो ठीक है अगर तुम ऐसा कहते हो तो विजय नाउ गो अंडर दैट ब्रिज फिर विजय क्या बोलता है कि देखिए वो जो ब्रिज दिख रहा है अब उस ब्रिज के अंदर से जाना है मिनी यस यस इन टू दैट लेन वेर ऊषा लिव्स मिनी क्या बोलती है हाँ हाँ हमें बिल्कुल उसी लेन से जाना है जहाँ पे ऊषा रहती है ऊषा उसकी फ्रेंड होगी जो वो भी बस से जाती होगी अंकल आनंद आई यू श्योर आई सम आई सम हाउ फील वी आर गोइंग अवे फ्रॉम योर स्कूल अंकल आनंद बोलते हैं क्या तुम श्योर हो इस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा फीलिंग हो रहा है हम लोग तुम्हारे स्कूल से दूर जा रहे हैं विजय नो नो अंकल आई एम श्योर दिस इज द वे विजय बोलता है नहीं नहीं अंकल टेंशन वाला बात नहीं है हम लोग रोज इसी रास्ते से जाते हैं तो गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है नो नो अंकल आई एम श्योर दिस इज द वे विजय बोलता है नहीं नहीं अंकल मैं श्योर sure हूँ यही वो रास्ता है मिनी सी दैट इज वेयर मोनू लीव्स वी हैव टू गो अराउंड द पार्क एंड स्ट्रेट टूवर्स द मेट्रो स्टेशन मिनी बोली देखिए यही वो जगह है जहाँ पे मोनू भी रहती है वी हैव टू गो अराउंड द पार्क एंड स्ट्रेट टूवर्स द मेट्रो स्टेशन हम लोग को इस पार्क के अराउंड से जाना है और स्ट्रेट टू द मेट्रो स्टेशन यहाँ मेट्रो स्टेशन के ठीक सीधे से हमें जाना है विजय नाउ टेक अ यू टर्न पास्ट द मेट्रो स्टेशन और जैसे ही मतलब मेट्रो स्टेशन पास होता है वहां से एक यू टर्न लेना है यू टर्न यू टर्न मतलब समझते हैं ना जैसे अगर आप ये समझो ये रोड है ठीक है आप इधर से जा रहे हैं जा रहे है, जा रहे जा रहे हैं यहां से अगर कोई यू टर्न लेने के लिए बोलता है मतलब यहां से ऐसे घूम के वापस ऐसे, ऐसे ऐसे ये रास्ता समझ में आया ना तो वहां से यू टर्न के बारे में बता रहे हैं नाउ वी गो डाउन दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट फिर मिनी क्या बोलती है कि अब हमें इस रोड से ऐसे नीचे डा, डाउन में जाना है और बाद में फिर लेफ्ट घूमना है अंकल आनंद बट वी हैव कम बैक टू द प्लेस वेयर वी टर्न लेफ्ट अंकल आनंद बोले कि फिर तो हम उसी प्लेस पे आ गए जहां से हम लेफ्ट घूमे थे मतलब वो जो होर्डिंग था ना जहां से विजय ने बोला था कि यहां से लेफ्ट लेना है ठीक फिर वो उसी जगह पे आ गए मिनी यस सी देर इज द स्कूल गेट मिनी बोलती है हाँ देखिए वो रहा हमारे स्कूल का गेट अंकल आनंद दैट इज़ आई सेड अर्लियर वी कुड हैव टर्न राइट तो अंकल आनंद क्या बोलते हैं कि वही तो चीज मैं भी बोल रहा था कि हम लोगों को राइट लेना है यहाँ से है ना विजय क्या बोला था कि ये जो बड़ा सा जिमनाजियम का होर्डिंग है वहां से लेफ्ट लीजिए लेकिन अंकल आनंद ने उसमें क्या बोला था आई थिंक दैट वी आर गोइंग फार फ्रॉम योर स्कूल राइट तो इसका मतलब क्या अंकल आनंद ने उस वक्त बोला था कि मुझे लग रहा है कि हम लोग स्कूल से दूर जा रहे हैं हमें राइट घूमना चाहिए था लेकिन विजय ने क्या बोला नहीं नहीं हम लोग रोज इसी रास्ते से जाते हैं तो यही रास्ता है आप टेंशन नहीं लीजिए तो वही यहाँ पे चीज़ है दैट इज़ वॉट आई सेड अर्लियर यह वही तो बात है जो मैं पहले कहा था वी कुड हैव टर्न राइट हेयर हम लोग को यहाँ से राइट घूमना चाहिए था देन वाई डिड यू मेक मी गो राउंड एंड राउंड हम लोग को जबकि यहीं से राइट लेना चाहिए था तब तुमने मुझे क्यों ऐसे गो राउंड एंड राउंड मतलब इतना डिफिकल्ट मतलब आगे जाइए यहाँ से लेफ्ट लीजिए फिर वहाँ से यू टर्न लीजिए फिर स्ट्रेट जाइए फिर लेफ्ट लीजिए तब आए जबकि एक सिंपल सा रास्ता था होर्डिंग से राइट कटने का फिर क्यों हम लोग इतना गोल गोल घूमे बट दैट इज़ द रूट बट दैट इज द रूट आवर बस टेक्स वी ओनली नो दैट वे तो बच्चों ने क्या बोला कि लेकिन वो तो वही रास्ता मैंने तो आपको उसी रास्ते पे लेके गया जिस रास्ते से रोज हमारी बस जाती है, है ना स्टूडेंट्स तो देखो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों की तो गलती नहीं है वो रोज स्कूल बस से जाते थे और स्कूल बस तो उसी उसी रूट से जाएगा ना जिधर जिधर से उनको बच्चा लेना होगा है कि नहीं है ना बीच बीच में किसका किसका घर आया था उषा का घर आया था मोनू का घर आया था है ना तो उन लोग का उधर घर पड़ता था इसलिए स्कूल बस घूम के जाता था ताकि वो बच्चे उस उन बच्चों को भी तो स्कूल बस को उठाना रहता था और इन बच्चों को तो वही रास्ता पता था जिस रास्ते से स्कूल बस जाता था तो जाहिर सी बात है कि ये जो बच्चे थे ये भी गलत नहीं थे और अंकल का जो डाउट था कि हमें राइट घूमना है वो भी गलत नहीं थे है ना तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स तो हमने इसमें क्या देखा कि चैप्टर जो है थैंक यू अंकल है ना ये कौन से अंकल का बात हो रहा है अब तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि अंकल आनंद का बात हो रहा है तो अंकल आनंद का बात हो रहा है अंकल आनंद क्या करते थे अंकल आनंद जब इनके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन रहते थे तब इनके केयर टेक केयर टेकर के रूप में वो आते थे इनका ध्यान रखते थे और इन्हें सरप्राइज ट्रिप पे लेके जाते थे तो ऐसे ही एक दिन आ, एक दिन की बात है ये ए, क्या नाम है मिनी और विजय स्कूल जा रहे स्कूल जाना था उन लोगों को तो अंकल आनंद ने क्या किया अंकल आनंद ने बोला कि जब आप लोग स्कूल से आओगे तब हम लोग एक सरप्राइज ट्रिप पे जाएंगे तो वो लोग स्कूल बस पे मतलब स्कूल बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे गए तब तक मालूम चला कि बस ही नहीं है फिर वहाँ पे कोई फ्रेंड्स उनको तो दिखा नहीं फिर वहाँ पे फ्रेंड की एक आ, मतलब मम्मी मिली मुरली मुरली की मम्मी मिली मुरली की मम्मी ने बोला कि आप 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 लोग तो बस छूट गया है आप लोग अब कैसे जाओगे आप लोग लेट हो गए तो वहीं से मतलब विजय क्या करता है सोच फिर ट्राई करने लगता है कि मतलब अब शेट अब हम लोग क्या करेंगे तो फिर मिनी उसको बताती है टेंशन मत लो अंकल आनंद हमें स्कूल छोड़ देंगे तो दौरे दौरे अंकल आनंद के पास जाते हैं वो सारा स्टोरी अंकल आनंद को बताते हैं और अंकल आनंद फिर बोलते हैं कि अगर चाहो तो तुम ये छुट्टी लेके हम लोग विंटेज कार जा सकते हैं जो कि इंडिया गेट में है इंडिया गेट आया तो फिर से एक बार बता दूं इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है ठीक है तो वो लोग बोला नहीं नहीं मैं विजय बोलता है नहीं नहीं मैं तो छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा आज फुटबॉल मैच है क्लास फोर सी के साथ और मिनी बोलती है मैं भी स्कूल नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा तो आज टेस्ट है तो किसी भी हाल में आज तो स्कूल जाना ही जाना है तो अंकल आनंद ने उन्हें अपने कार में बैठा के उसे ए, उन दोनों बच्चों को ड्रॉप किया और फिर जिस जिस रूट से वो लोग बोले उस उस रूट से अंकल आनंद ले जाके उन्हें छोड़ दिया तो स्टूडेंट्स यही था पूरा स्टोरी आई होप आप सबको बहुत ही मजा आया होगा आई होप यू ऑल मस्ट इन्जॉय दिस चैप्टर राइट सो थैंक यू फॉर टूडेज टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लासेज राइट थैंक यू